नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बहुत पुराने समय से देखते पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि जामुन, जिसे हम इंडियन ब्लूबेरीज भी कहते हैं, ये डायबिटिक पर्सन के लिए वरदान है। जामुन में जैम्बोजीन और जैम्बोलिन नाम के कंपोनेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करने में और इंसुलिन के प्रोडक्शन को ये बढ़ा देते हैं। इस तरह से डायबिटीज़ को ये हमारे शरीर में मैनेज करते हैं। दोस्तों, जामुन का फल ही नहीं, उसकी गुठलियाँ भी डायबिटीज़ के लिए बहुत लाभकारी होती हैं और इन गुठलियों के पाउडर से बनता है एक होम्योपैथिक मेडिसिन शाइजेजियम जम्बोलिकम। दोस्तों, यह मेडिसिन डायबिटीज़ पर बहुत अच्छा काम करती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि डायबिटीज़ क्या होता है, इसके कारण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और होम्योपैथी यहाँ कैसे काम कर सकती है, और हम ये भी समझेंगे कि इसकी प्रिवेंशन या रोकथाम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज़ का पूरा नाम डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, इसे मधुमेह की बीमारी भी कहते हैं और नॉर्मल लैंग्वेज में इसे शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। इसमें ब्लड के शुगर का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और पैनक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन इस ब्लड के शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है। तो जब जब शरीर में शुगर का लेवल ज़्यादा होता है, ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा होता है, तो इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होता है और रिलीज़ होने के बाद शुगर के लेवल को कंट्रोल कर देता है, उसको मेंटेन कर लेता है। अब हम यदि इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, तो यदि पेशेंट फास्टिंग ब्लड शुगर करवाता है, मींस खाली पेट यदि वो सुबह सुबह अपना ब्लड सैंपल देके आता है और उसकी जांच 80 से 100 के बीच में आती है, मींस उसको डायबिटीज़ नहीं है, और यदि उसका लेवल 100 से 125 के बीच में होता है, मतलब वो प्री डायबिटीज़ के फेज़ में आ चुका है, और नंबर 3, यदि उसका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो 125 से ज़्यादा होता है, मतलब उसको कंफर्म डायबिटीज़ है। यहाँ पर अब हम डायबिटीज़ के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। उसमें नंबर 1 जो होता है वो होता है टाइप 1 डायबिटीज़। यह बहुत कम लोगों में, लगभग 10% लोगों में ही देखा जाता है, और यदि एज की बात करूँ तो ये हर एज ग्रुप के लोगों में मिलेगा, लेकिन चाइल्डहुड में और यंग एज के लोगों में ये ज़्यादा मिलता है। इसमें होता क्या है कि इसमें मेनली ऑटोइम्यून डिजीज़ के कारण बॉडी में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो पैनक्रियास की उन सेल्स को डैमेज कर देता है जो इंसुलिन प्रोडक्शन करती हैं। इसलिए इंसुलिन यदि कम होगा तो पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाता है। अब नंबर 2 पे होता है टाइप 2 डायबिटीज़। ये मेनली हर उम्र के लोगों को ये भी हो सकता है, लेकिन 40 की उम्र के बाद यह लोगों को ज़्यादा देखा गया है, और सबसे मोस्ट कॉमन टाइप डायबिटीज़ का यही होता है, लगभग 90% लोगों में यह देखा गया है। इसमें होता क्या है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन तो बराबर मात्रा में होता है, लेकिन हमारी बॉडी उस इंसुलिन के लिए रेसिस्टेंट हो जाती है, मीन्स वह पूरी तरह से प्रॉपरली उस इंसुलिन को यूज़ नहीं करती है, इसलिए पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाता है। अब इसी में नंबर 3 होता है प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ में क्या होता है, पेशेंट के ब्लड का शुगर का लेवल बढ़ तो जाता है, पर इतना नहीं बढ़ता है कि उसको हम डायबिटिक की रेंज में रख दें। अब नंबर 4 पर होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। इसमें महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी उनका शुगर का लेवल नॉर्मल भी हो जाता है। अब हम चर्चा करने वाले हैं डायबिटीज़ के कारणों की और उसके रिस्क फैक्टर की। एक्चुअली डायबिटीज़ में बहुत नोन कारण नहीं देखे गए हैं, ज़्यादातर अननोन कॉज ही होते हैं, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं रिस्क फैक्टर, जिनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। इसमें नंबर 1 पर होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। एक्चुअली पॉल्यूटेड एयर, वाटर एंड सॉइल के कारण जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो डैमेज होने लगता है, जिसके कारण डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2 पे होता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर, यदि आपके परिवार में, आपकी फैमिली में लोगों को डायबिटीज़ है, तो अगली पीढ़ी में डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें नंबर 3 पे आता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। यह मेनली महिलाओं को होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये डिलीवरी के बाद ठीक भी हो जाता है, लेकिन किसी किसी में ये आगे कंटिन्यू करता है। नंबर 4 होता है हाई बीपी एंड स्ट्रेस। इसमें भी बॉडी के शुगर का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है जो शुगर के लेवल को बढ़ा देता है।
अब इसमें आगे आते हैं नंबर पाँच पे। नंबर पाँच में क्या होता है, पीसीओडी के कारण भी लोगों के शुगर का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इस पीसीओडी की कंडीशन में महिलाओं के शरीर में इंसुलिन उतना प्रॉपरली यूज़ नहीं हो पाता है और शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिससे पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाता है। इसमें आगे नंबर छः पे होता है कि एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर देखा गया है। जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती जाती है, पेशेंट का लाइफस्टाइल चेंज होता जाता है, तो उससे भी पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाता है। इसमें आखिरी और सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण हम लोग प्रॉपरली खाना नहीं खाते, जंक फूड खाते हैं, एक्टिविटी नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, इसलिए पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज़ का एपिडेमिक आया हुआ है। मोटा मोटा यह समझ लेते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है वो क्रोनिक कंडीशंस होती हैं और उनको रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्री डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं डायबिटीज़ के सिम्टम्स के बारे में। डायबिटीज़ में पेशेंट के सिम्टम उसकी बॉडी में ब्लड के शुगर का लेवल क्या है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी जो कॉमन सिम्टम्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। इसमें नंबर 1 यह होता है कि पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। नंबर 2 पेशेंट को भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। नंबर 3 पेशेंट को यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ता है, स्पेशली रात में यह फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। पेशेंट बहुत जल्दी थक जाता है, हाँफ जाता है। पेशेंट का इरिटेशन लेवल मींस वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। पेशेंट के पैर सुन्न होने लगते हैं, उसको पूरे शरीर में जलन महसूस होती है, और यदि उसको कोई घाव हो गया या कोई चोट लग गई तो उसको हील होने में भरने में वक्त लगता है। इसमें एक सिम्टम और देखा गया है कि पेशेंट को कोई इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि वेजाइनल इन्फेक्शन या कोई दूसरे इन्फेक्शंस, वो बहुत जल्दी हो जाते हैं और उनको ठीक होने में भी टाइम लगता है। और एक चीज़ और होती है, पेशेंट को पूरे शरीर में खुजली चलती है। अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जामुन के सीड से शालियम जम्बोलिकम नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है, जिसका डायबिटीज़ पर बहुत अच्छा काम है। दोस्तों, यदि पेशेंट को बार बार बाथरूम आ रही है, उसको भूख बहुत लगती है, उसको प्यास बहुत लगती है, उसका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल यदि बहुत ज़्यादा आ रहा है, शरीर में खुजली ज़्यादा होती है, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, अब यदि हम इसके डोजेस की बात करते हैं तो इस मेडिसिन को हम क्यू फॉर्म में मींस मदर टिंचर फॉर्म में यूज करते हैं। 10 बूंद सुबह लेनी है, 10 बूंद दिन में लेनी है और 10 बूंद शाम को लेनी है, आधे कप गुनगुने पानी में। डायबिटीज़ में अकेले ट्रीटमेंट से काम नहीं चलता, इसमें प्रिवेंशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों, एक्चुअली इसमें आपको दो ही चीज़ें अपनी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक तो पेशेंट को अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देना चाहिए, कम से कम दिन भर में आधे से एक घंटा उसको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। और नंबर 2 उसको अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उसको ग्लूटेन फ्री डाइट लेना चाहिए, खूब सारा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना चाहिए और खूब सारा पानी पीना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बोनस पॉइंट के बारे में बात करूंगी, यदि मेथी के दाने रात में सोख करके सुबह उसका पानी पिया जाता है तो डायबिटीज़ बहुत अच्छे से कंट्रोल होती है। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है, मेथी दाने में हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टी होती है जो हमारे ब्लड के शुगर के लेवल को रिड्यूस कर देती है। इन लास्ट, यदि आपको डायबिटीज़ नहीं है तो प्रिवेंशन करके, और यदि डायबिटीज़ है तो प्रिवेंशन के साथ ट्रीटमेंट लेके हम डायबिटीज़ पे कंट्रोल पा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिली हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो माय चैनल। थैंक यू।